दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए तनाव से बचने के लिए एक बहुत ही सरल श्वासों की क्रिया बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपने सांसों को रेगुलेट करके अपने मानसिक थकान को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो यह क्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि यह कितनी महत्वपूर्ण और ताकतवर क्रिया है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, शांत भाव से बैठ जाएं और अपनी सांसों पर अपने मन को केंद्रित करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके लिए एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपकी तनाव खत्म होती जा रही है, आपका मन एकदम साफ और स्वच्छ होता जा रहा है। इसको कैसे करना है थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। शरीर से अपने मन को हटा के धीरे धीरे अपने मन को अपनी सांसों पर लगाते जाएं, हल्के से सांस लें, ना ही सांसों में तेजी लाएं, ना ही सांसों को गहरा लें, ना ही सांसों को रोकें, कुछ भी ना करें, सिर्फ अपनी सांसों का आने जाने का क्रम है, मन को उसी पर लगा दें और सांसों की गति को मन से जांच करते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन गहरा होता जा रहा है और आप बहुत ही सहज महसूस करेंगे। इस क्रिया को आप 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी आपकी क्षमता है उतना कर सकते हैं। ये मन को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। यह क्रिया वेदों और पुराणों में बताई गई है, लेकिन इस क्रिया को कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। हम आपको यह क्रिया मूल रूप से बता रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई उच्चारण नहीं करना, किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी प्रोसेस में अपने सांसों को रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना, ना ही सांसों को गहरा करना है। आपको सांसों को नॉर्मल लेना है और अपने सिर्फ और सिर्फ सांसों के आने और जाने के क्रम को अपने मन से जोड़ना है, मन की निगरानी में रखना है। बस यही यह क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा आप अपने मन को एकदम कूल कर सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं, अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। मानसिक रोगियों के लिए यह दवा के जैसा कार्य करेगी, उनकी नींदें गहरी होंगी, उनके लिए चिड़चिड़ाहट कम होगी, जिन्हें भूलने की प्रॉब्लम है उन्हें भी मानसिक रूप से ताकत मिलेगी, उनके लिए भूलने की दिक्कत कम होगी। अनिद्रा के रोगियों के लिए भी यह प्रोसेस बहुत ही अच्छी है और दवा के जितनी महत्वपूर्ण है, दवा समझ के इस प्रोसेस को वह सिर्फ 5 दिन करके देख लें, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम जो मन से जुड़ी है वह ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि मन ही हमारे शरीर की बीमारियों की शुरुआत है। अगर मन को स्वस्थ रखेंगे तो शरीर भी स्वस्थ होगा। दोस्तों जो भी आप वीडियो के द्वारा महसूस करें हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।